सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने ऑफिस। मेरा लाइनर देखो अब दिख रहा है, और अभी हमारा यहाँ पे शूट होगा। सेटअप रेडी हो चुका है और लेट्स इट। बोला नहीं, बस वीडियो बनानी है ना। बोली थी सुंदर लड़की कट बैठी है। देखो ये इतनी सुंदर लड़की बैठी है, और दिया हमारी मेकअप आर्टिस्ट 360 की, जो आज इसका मेकअप कर रही है। इतनी सुंदर लगेगी। हमारा शूट है और ये पबजी खेल रही है लड़का। मेरे एक भी क्लाइंट नहीं है, तो आराम से बैठती कैबिन में। पबजी खेल रहा है ये, किस काम में ध्यान नहीं है, ये गुस्सा दिखा रही है। उस दिन तो मेरे भी एक भी क्लाइंट नहीं है, तो मैं भी तो कैबिन में जाके आराम से बैठती। हमारा शूट चलेगा और हम यहाँ पे पी रहे हैं स्प्राइट। अब चले हम अपने घर। घर पे पहुँच गए हैं और ये सब था मेरा घर पे। आटा मेरे पापा भी मलाई चाप के शौक में। मलाई चाप, मोमोज। इसमें चाप कहाँ है? एंड प्याज ही प्याज ही रोटन कर रहा है लगे। ले खा ले, खा ले, खा ले बेटा, खा ले। और ये आ गए हम अपने घर, अपने पसंदीदा घर में। अब हम झूमेंगे, नाचेंगे, एक दिन का ऐश करेंगे और क्या। टिंग 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 टिंग। और मैंने आज बनाया है मैंगो शेक अपने घर में, बहुत दिन बाद। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ चुकी हूँ और हमारा आज ब्रेकफास्ट हो रहा है केलॉग्स एंड मैंगो। केलॉग्स एंड मैंगो ब्रेकफास्ट एट माय होम टाउन। मैंने देख लिया तेरे को। हाय गाइस, मैं आई हूँ अपने घर और यहाँ मैं खा रही हूँ गोलगप्पे। गोलगप्पे और मैं, चलो स्टार्ट करते हैं हम गोलगप्पे खाना। मैं दिल्ली में रहती हूँ पर मुझको इतने दिन हो गए हैं गोलगप्पे नहीं मिले कहीं अच्छे। और छोड़ आई डू पल वाला के खाने पड़ते हैं। अब मैं अपने भाई के लिए बना रही हूँ मसाला मैक्रोनी, बिकॉज उसको बहुत पसंद है। मैंने इसमें पास्ता मसाला, मैगी मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी डाली है और मैं इसमें डालूँगी पाइपर। मैंने इस सारे को ब्लेंड कर लिया टमाटर प्याज के साथ। अब कुकर में हमने मिक्स वाला डालेंगे, तेल गर्म करके हींग जीरा सब डालने के बाद। तो जीरा डल गया है हमारा, हींग डल गई है, मसाला मैंने डाल दिया है। इससे फटाफट कुकिंग हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनता है। घर पर मैं खाना बनाना बहुत मुश्किल है, बट अपने घर पे तो मेरे को बहुत मज़े आते हैं खाना बनाने में। जहाँ पर मैं रहती हूँ मेरे को वहाँ नहीं आते। पास्ता को हम वॉश कर लेंगे। अब 5 मिनट के लिए फुल आंच पे आप सीटी बनेंगे। चलो तो हमारा जो पास्ता है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप ऐसे मैक्रोनी भी बना सकते हो अगर आपको मसाले वाली खानी है तो। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है। बस 5 मिनट के अंदर अंदर 2 सीटी आ जाती है और आपका पास्ता जो बिल्कुल कुक हो जाएगा। इसको ढक के रखना ताकि ये पक जाए, सारी सीटी निकल जाए, उसके बाद आप इसको सर्व कर जाओ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सर्व। वापस दिल्ली के लिए, बिकॉज मेरे को नेक्स्ट जाना था ऑफिस। और ये देखो मैंने क्या देखा, ऑटोमेटिक ट्रेन, सॉरी मेट्रो, नो ड्राइवर मेट्रो।
अब मैं घर आ गई थी, घर आने के बाद मैंने बनाया था। आ गया, अब हम बनाएंगे पिज्जा, वो भी जुगाड़ वाला। अब देखते हैं कैसे बना था एकदम। लुक एट दिस गाइस, और इसका बेस था मैंने ब्रेड से बनाया था, और वेरी हेल्दी एंड 5 मिनट में पीस रेडी होने वाला पिज्जा है। ब्रेड को बैटर कर लिया, उसको आटा खाते खाते देखो मैंने ब्रेड का पिज्जा बना डाला, स्टीम करा पहले, उसके बाद मैंने फ्राई किया। वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी है एवर्ड ड्राइड पिज्जा विद अ वेरी मच हेल्दी वर्जन। चलो हेल्दी नहीं, फॉर योर लव, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। 10 मिनट वाला नेक्स्ट वीडियो में।